हालत तो कब कब छूटने लगे उसके। लो जी, लो मुबारक हो, बारिश रुक गई फाइनली। हेलो दोस्तों, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप और आपके परिवार वाले सब अपने अपने घरों पर सुरक्षित होंगे और मौज में होंगे। वो तो नू कह रही मास्क लगा लो। आज तारीख है 10 अक्टूबर और टाइम हो रहा है शाम के 6:33। तो सीन ऐसा था, आज खूब बारिश पड़ रही थी, लेकिन आज बहुत ही अच्छी खबर है, बारिश रुक गई। और मैंने दिखाया था थोड़ी देर पहले, तो मैं देखा तो मजा आया। और एक चीज बताता हूँ, सीन ऐसा है कि आज मॉर्निंग में कुछ थाने दिखाने को कुछ एक्टिविटी की नहीं थी मैंने, क्योंकि मैं सो रहा था, क्योंकि रात को थोड़ा ठंड सी लग रही थी, तो आज थोड़ा फीवर जैसा फील हो रहा था। इस चक्कर में मन नहीं किया मेरे कुछ भी करने का, इसलिए अभी से थोड़ा ठीक लग रहा है, थोड़ा फ्रेश फील कर रहा हूँ, जिम के नाम से फ्रेश फील कर रहा हूँ मैं। तो इसलिए अब जो मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ शाम से, तो आज सीन ऐसा है, अभी मैं जा रहा हूँ जिम और अभी मैं तैयार होने जा रहा हूँ। मैं नहाया नहीं हूँ, सही बात बताऊँ ना, कल से नहीं नहाया हूँ मैं, क्योंकि बारिश हो रही थी और ठंड हो रही बहुत ज्यादा, तो इस चक्कर में नहाने का मन नहीं किया। तो चलो अभी नहाने चलता हूँ मैं, ठीक है। डायरेक्ट पानी से नहाऊंगा, जो सादा पानी आता है ना उससे नहाऊंगा, गर्म से नहाता नहीं हूँ मैं एक्चुअली। तो चलो नहाने चलते हैं, फिर उसके बाद जिम चलेंगे। और एक चीज और, आज हम गेम खेलेंगे स्पिन द बॉटल। उसमें जो होता है ना, बोतल को ऐसे घुमाते हैं और सब चारों तरफ बैठे होते हैं, तो जिसके ऊपर बॉटल का ओपनिंग आ गई तो वो कुछ एक्टिविटी करेगा, जो डेयर दिया जाएगा उसको बाकियों के द्वारा, तो वो करेगा। तो चलो आज वाला गेम खेलेंगे, बस मैं जिम से आ जाऊँ, ठीक है। आने के बाद मैं अपना रेडी होऊंगा, रेडी होने का मतलब फेस वॉश और हैंड वॉश करूंगा, कपड़े चेंज करूंगा जो स्वेट के होंगे, देन उसके बाद खेलेंगे स्पिन द बॉटल। तो चलो चलते हैं जिम। हमें क्या बनाया आज? लौकी चने की दाल बनाई है। अरे लौकी चने की दाल, ये भी खाने की चीज है। अच्छा, हरी मिर्च टमाटर प्याज जो होता है ना वो बनाया है, मतलब प्याज काटते हैं, हरी मिर्च टमाटर को उनको फ्राई कर लेते हैं खूब अच्छे से मसाला वसाला डाल के, काफी अच्छा लगता है, वो भी बनाया है, अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन मैं ज्यादा खाता नहीं हूँ। और बाकी का लौकी चने की दाल है वो तो बिल्कुल नहीं खाता हूँ, तो इसलिए मैं वही खाऊंगा, हरी मिर्च प्याज टमाटर। तो चलो अभी चलते हैं जिम को, ठीक है, फिर उसके बाद खेलेंगे स्पिन द बॉटल। मेरा बैग पैक कर दूंगा मैं जिम का। अच्छा, कपड़े कहाँ है? उसमें से निकाले होंगे ना तुमने? मैंने उसके अंदर ही है, नीचे रखे दिखे हैं। नीचे है बैग। चलो उससे काकी से ले लो, वो दे देगी। और तुमसे बताओ कबर्ड में क्या पहनूं आज? क्या पहनूं? वो सारे कपड़े तो मैंने नीचे रख दिए हैं तुम्हारे। हाँ। उसके चक्कर में। हाँ हाँ। लेंटर पड़ा। कभी कपड़े तो सारे नीचे चले गए, क्योंकि ये आगे का स्लैब मैंने पूरा टूटना है, तो एक सिर्फ रूम रह जाएगा, आगे का खुला रह जाएगा, ऊपर का जो रहता है स्लैब, और आम भाषा में उसको लिंटर कहते हैं, तो वो टूटेगा, लेकिन उसे लिंटर कहते नहीं है, लिंटर एक कोई चीज नहीं होती है, लिंटल होता है, लेकिन जो होता है वो गेट के या किसी विंडो के ऊपर जो होता है कॉन्क्रीट का, उसको कहा जाता है, लेकिन आम भाषा में ज्यादातर लोग लिंटर ही कहते हैं। तो बस तुम्हारे लिए समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं, वो पूरा रिप्लेस होना है। तो चलो अभी कपड़े मैं बैग में पैक करता हूँ, और ये फुल स्लीव्स की पहन रखी है मैंने टी शर्ट, तो सोच रहा हूँ यही पहन के चलूँ, क्योंकि ठंड लग रही है, तो इसलिए चलो यही पहनते हैं, फिर चलते हैं जिम, ठीक है। तो गाइस अभी पूरा फ्रेश, पूरा रेडी होके आ चुका हूँ मैं, और ये वाली टी शर्ट पहन के आ रहा हूँ, क्योंकि रात ही पहनी थी, कल ठंड लग रही थी, मैंने कल वाली उतार दी थी, वो डस्ट में हो गई थी थोड़ा, तो चेंज करके मैं ऐसे सो गया था, तो सुबह ठंड लग रही थी, तो मैंने ये वाली पहन ली थी, तो इसलिए अब मैं नहा करके ये पहन लिया। तो चलो अभी जिम चलते हैं, पैक कर देंगे बैग, ठीक है। छोटी सी बोतल है, ये बोतल है छोटी, ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि अब ठंड का टाइम आ गया। देखो गाइस ये वाला बैग लेके जाता हूँ मैं, ये थोड़ा इजी रहता है कैरी करने में, ज्यादा कुछ होता नहीं है इसमें ज्यादा कुछ होता नहीं है, बस मेरी एक टी शर्ट होती है जो जिम की जो पहनता हूँ जिम में, और कुछ एक्सेसरीज होती है वो लेके जाता हूँ, और पानी की बोतल थी, बस यही सब चीजें हैं। तो चलो अब चलते हैं जिम, ठीक है। दोस्तों टाइम देखो, 7:11 हो रहा है और मेरे जिम का टाइम है 7 बजे का, तो देखो कितना लेट हो गया, और 10 मिनट पहुंचने में लगता है, हो सकता है अगर पानी मिल गया मेरे को रास्ते में भरा हुआ तो और ज्यादा लेट हो जाऊंगा, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, ठीक है, तो चलो चलते हैं। तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 9:37, मैं जस्ट अभी जिम से आया हूँ, ये बैग साइड में डालता हूँ, और
अब जरा मैं चेंज करता हूँ, हैंड वॉश करता हूँ, फेस वॉश करता हूँ, उसके बाद अपना डाइट लेंगे। डाइट में मतलब पहले शेक लेता हूँ मैं, शेक लेने के बाद अपनी मूंग की दाल लूंगा, देन उसके बाद डिनर करेंगे 2 घंटे बाद। चलो चलते हैं रेडी होने के लिए। और मम्मी देखो तैयारी कर रही है शेक बनाने के लिए, और ये देखो जुगाड़ रखा पैड पे इतनी दूर से। ये कम्फर्ट का मामला है, मतलब सीन ऐसा, चार्जिंग पे रख नहीं सकते फोन, ठीक है, तो इसलिए बेड पे ही चार्ज करते हुए चलाना है। चलो जो भी है, चलो मैं रेडी होने चलता हूँ, है ना। मैं रेडी हो गया, कपड़े चेंज किए अपना, रेडी हो गया शेक पीने के लिए। ऊपर आया, लाइट ही चली गई, देखो अच्छी रखे पड़े हैं शेक, सबके सब ऐसे पड़े हैं। तभी लाइट आएगी, तभी ग्राइंड होगा, तभी शेक बनेगा। तो चलो वेट करते हैं, फिर उसके बाद शेक पियेंगे, तब तक मैं दाल खा लेता हूँ, है ना। लाइट आ गई, फटाक से शेक बनाते हैं ना, देर नहीं करते। यार यार मैंने स्टार्ट कर दिया, प्लग लगाया नहीं, इसके प्लग ऑन कर दिया, तो चलो बनाते हैं। रेडी हो गया, चलो अभी पीते हैं इसको आराम से। तो दोस्तों बात ऐसी है, तो हमारा प्लान था स्पिन बॉटल गेम खेलने का, वो कैंसिल हो गया क्योंकि महक जो थी वो सोने चली गई, मतलब महक जो थी वो सो गई, और 3 जने या 2 जने तो खेल नहीं सकते, इसलिए मजा नहीं आता, तो हमने प्लान कैंसिल कर दिया। तो दूसरी चीज ये थी कि अभी मम्मी की बात हो रही थी नानी के घर पे, तो छोटे मामा की पता चला कि तबीयत ठीक नहीं है, है तो अभी घर पर ही ठीक है, तो इसलिए टेंशन वगैरह जो होता है, तो इस चक्कर में अभी मन नहीं कर रहा, तो हम कल खेलेंगे वाला गेम। की मम्मी आएंगी, क्या बताया मम्मी मामा के बारे में? सुबह से तबीयत खराब हो रही है उसकी काफी। अच्छा, क्या हो गया था? कमजोर तो वैसे भी हो रहा है। तुम्हारी बात हुई थी ना अभी मामी से? हाँ, तो वो कह रहे हैं बहुत ही कमजोर हो रहे हैं तुम्हारे भैया, दुकान पे बैठे बड़े वाले भाई के पास, तो हालत कप कप छूटने लगी उसकी। अच्छा, हाथ पे कप पानी लगे, तो उन्होंने कहा था इसको, फिर भाभी के पास फोन कराया, तो फिर बच्चे गए लेने के लिए सानिया। अच्छा, तो सीन ऐसा था, हम बड़े मामा जी हैं ना, उनके साथ दुकान पे बैठ जाते हैं मामा, तो मतलब तबीयत तो उनकी काफी दिन से खराब थी, तो इस वजह से आज थोड़ा बेटर फील कर रहे थे, तो बाहर चले गए थे मामा के पास बैठने। दोनों मामा बाहर शॉप पे बैठ जाते हैं, एक दूसरे के साथ में टाइम पास हो जाता है, बातें बातें करते रहते हैं, तो आज मामा बोर हो रहे थे घर पे, थोड़ा फील भी कर रहे थे बेटर, तो सोचा उन्होंने बाहर चले जाता हूँ, लेकिन बाहर मौसम खराब था, मतलब बारिश हो रही है वहाँ पे अलीगढ़ में भी, और खूब ठंड हो रही, मतलब बढ़ गई ठंड, वहां पे गए, थोड़ी देर बैठे होंगे तो फिर उनकी तबीयत खराब होने लगी, वहां पर ठंड चढ़ने लगी, मतलब कांपने लगे, तो फिर बड़े मामा ने घर पे कॉल की, तो कहा कि मतलब कि छोटे वाले की तबीयत खराब हो रही है, इसको घर पे ले जाओ, ठंड लग रही है, तो फिर घर पे लेकर आए, अब ठीक नहीं है मतलब तबीयत, तो घर पे रेस्ट कर रहे हैं, लेकिन अभी बात हुई तो मूड ठीक नहीं है, तो इसलिए अभी मन नहीं कर रहा खेलने का। तो ये वाला गेम जो है स्पिन द बॉटल, ये हम कल खेलेंगे और जल्दी खेलेंगे, आज थोड़ा लेट हो गए थे हम, अभी मतलब 10:45 हो रहे हैं टाइम लगभग, तो मैं सो गई थी, तो इस वजह से गेम हो नहीं पाया पहले। तो चलो इस ब्लॉग को और मैं ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहता, अभी मेरा मन नहीं कर रहा ब्लॉग करने का, तो चलो इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया, ब्लॉग पसंद है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।